भैया इतनी भीड़ हो चुकी है एकदम, समझिए कि सरसों गिरा दीजिए तो जमीन पर नहीं गिरेगी, और इसी भीड़ में हम घुसने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। आइए चलते देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भैया राधे राधे, बरसाने से आपका स्वागत है। अभी हम बरसाने में पहुंच चुके हैं और गाड़ियों की लंबी लाइन देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये वीकेंड की 3 दिन की छुट्टियाँ जो है पूरा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जो है पूरा यहीं गोकुल और बरसाना है और मथुरा वृंदावन में आ चुका है और यहाँ लग चुकी है भयंकर जाम। हमने गाड़ी पीछे लगा दी, एक गाड़ी का किराया 100 रुपये। जितनी गाड़ियाँ आएंगी भाई, उसमें देखा 30, 40, 50 गाड़ी एक साथ पार्किंग हो रही है। एक घंटे के लिए खड़ी किया तब भी 5,000 रुपये उसका आराम से बन गया। इस तरह से पूरा एकदम खतरनाक जो है चल रहा है, पूरा एकदम भयंकर जाम लग गया है। देख रहे हैं आवाज़, देख रहे हैं गाड़ियों की। तो बरसाना में आने के लिए आपको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है और जिनकी चढ़ने की आदत नहीं है उनकी हालत ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे चढ़ते जाइए, ज़्यादा नहीं चढ़ाई है, 200-250 मीटर की चढ़ाई है, पर खड़ी चढ़ाई है। हाँ वहाँ आ गया तो और ख़तरनाक चढ़ाई, देख रहे पीछे उस वाले मोड़ पे। तो यहाँ बरसाना में राधा का जन्म हुआ था और वृंदावन से भगवान कृष्ण जो है राधा से मिलने आते थे। हम लोग पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, सारा नज़ारा यहाँ से दिखने लगा है बरसाने का। देख रहे ये भाई, ढलान इस पे बहुत ज़्यादा है और देख रहे गाड़ियाँ कैसे चढ़ रही हैं। ये चढ़ गई है, हाँ कैमरे में ढलान करके नहीं पता लग रहा। चलो आओ आया भैया, डर रही लिया लिया। कृष्ण और गोपियों के साथ का जो है चित्रण किया गया है इसमें, ये किले को दिखाया गया है और उधर जंगल में, हाँ वही ग्वाल गोपियाँ वो सब हैं और क्या है, वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ पे मोर वगैरह पूरा, मतलब ये वो पूरा एरिया दिखाया गया है यहाँ का बरसाना का। और ये देखिए राजस्थान में जहाँ जाओगे वो सब इस जगह ऐसे किले मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कुशल बिहारी महाराज जी के मंदिर में और इसको देखने से ऐसा जान प्रतीत होता है कि ये पहले के समय में कोई किला रहा होगा और बीच वाला जो हिस्सा है मंदिर के लिए है और जिसमें एक प्रतिमा स्थापित है। अभी अंदर खुलेगा 4 बजे तो चल के अंदर देखेंगे। बाकी ऊपर नीचे चारों तरफ से कमरे बने हुए हैं, गैलरियाँ बनी हुई हैं, रूम बने हुए हैं और हवादार बने हुए हैं। आगे पीछे चारों तरफ जिधर देखिए खिड़कियाँ और दरवाजे देखते हैं, मतलब राजस्थान की कला का जो चित्रण है वैसा देखने को आपको मिलता है। ये देखिए कैसे निहार रही है। क्या है तो ये देख रही है, बता रही है, मोर मोर छपा है और क्या है, है। ये कोई पेड़ है न, ये कोई पेड़ है और इसमें फूल लगे हैं।
ये कबूतर भी है देखो, ये कबूतर है, चिड़िया ये कबूतर भी है इसमें ना, नीचे मोर सबसे नीचे मोर है बैठा हुआ है। एक पेड़ के ऊपर अलग अलग जो है दृश्य को दिखाया गया इसमें। तो दोस्तों ये जो है अंदर का दृश्य है, ये मंदिर के मुख्य मंदिर के अंदर का दृश्य है। बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है इसके अंदर दिख रहा है ना, और चारों तरफ जालीदार जो है खिड़कियां लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया हवा आ रही है। अभी हम लोग जो है कुशल विहारी महाराज मंदिर के अंदर ही बैठे हुए हैं। 3:30 बजे ही आ गए थे और मंदिर के खुलने का समय 4:30, एक घंटा से बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए हैं। इंतजार कर रहे हैं कि जब मंदिर खुले और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएं। अब आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे बड़ा अच्छा लोकेशन है, हवादार है। लेकिन एक चीज़ जो पार्किंग वाला जो खेला है वो पूरे मतलब मथुरा वृंदावन जितना भी एरिया है सब जगह है। तो सरकारी फीस 50 रुपये, लेकिन 100 रुपये वसूलते हैं। बाहर लिखा भी है 50 रुपये, लेकिन 100 रुपये की पर्ची काट के देते हैं। तो वही पार्किंग वाला बहुत ज़बरदस्त खेला चलता है। ये बनाने लायक वीडियो लोग जा रहे हैं। पीछे मंदिर में कुशल विहारी महाराज का दर्शन भी हो गया और हम लोग एक घंटा इंतजार किए। दर्शन वर्शन करने के बाद अब चल रहे राधा रानी मंदिर। क्यों अब यहाँ से शायद आधा 1 किलोमीटर होगा पैदल। राधे राधे। यहाँ भी खूब भयंकर भीड़ है। उधर से एक गेट है आने के लिए। भैया इतनी भीड़ हो चुकी है एकदम, समझिए कि सरसों गिरा दीजिए तो जमीन पर नहीं गिरेगी। ऐसी भीड़ में हम घुसने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। आइए चलते देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पहुंच गए हैं। अभी देखें जी नज़ारा, भीड़ का थोड़ा सा कम हुआ है भीड़। और यहाँ से पूरे बरसाने और नंदगांव का पूरा नज़ारा मस्त दिख रहा है। ये
इस पे ज़्यादा बर्डन मत दीजिए, गिर भी सकता है, ये टूट के गिर भी सकता है। इस भीड़ भाड़ से एकदम निकलते हुए और हम लोग पहुंच गए ऊपर की ओर, दर्शन कर लिया हम लोगों ने, और पीछे यहाँ पे जो है भीड़ लगी हुई है राधा रानी का दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा भाई। हम लोग चढ़ के पैदल वापस भी आ गए और यहाँ मोटरसाइकिल वाले जो है सवारी ढो रहे हैं। मात्र 200 मीटर की चढ़ाई है लेकिन लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। खा खा के इतने मोटे हो गए तगड़े की 200 मीटर की पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे। मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, 20 25 30 रुपए ले रहे हैं छोड़ने का, केवल ऊपर छोड़ने का। तो भैया एकदम दर्शन वगैरह करके एकदम बढ़िया से भीड़ भाड़ में एकदम खचोखच भीड़ में जो है दर्शन वगैरह करके आ गए। राधा रानी का दर्शन किया और एक मंदिर था ऊपर जो है राजस्थान सरकार का मंदिर था, वहाँ पे हमने दर्शन किया और उसके बाद जो है पैदल गए थे, पैदल आ गए। नीचे राधा रानी पार्किंग है, यहीं से गाड़ी अपनी उठाते हैं, अब चलते हैं नंदगांव की तरफ चलते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, रात को ठौर ठिकाना ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ नंदगांव। भैया हम लोग जा रहे थे नंदगांव और नंदगांव से पहले आ गया कीर्ति मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है, और चल रहे हैं वही कीर्ति मंदिर देखने के लिए। गाड़ी पीछे लगा दिया है, यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो ऐसे ऐसे बदतमीज लोग हैं कि सामने ही गाड़ी ला के खड़ी कर देते हैं, जल्दी उतर जा दूसरे को रगड़ देंगे इसी। तो भाई कीर्ति मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और देख रहे हैं कितना मतलब गजब का खूबसूरत लग रहा है। भव्य तो बना ही है और साथ ही साथ में जो लाइटिंग जल रही है, मतलब लाइट जल रही है और अलग अलग कलर बदल रहे हैं, मतलब हर 10 सेकंड के अंदर कलर चेंज हो जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे लोग देखिए, पूरा भक्तिमय वातावरण हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, राधे राधे का गाना चल रहा है। तो हम भी आ गए, हमने कहा चलो देख ही लेते हैं और मज़ा आ रहा है। वृंदावन मथुरा वृंदावन घूम करके भाई आइए और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। थोड़ा सा आजकल भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई है, 3 दिन तक रहेगी भीड़ भाड़, बाकी तो ठीक ही है। अभी हम लोग चल रहे हैं नंद बाबा के मंदिर में, नंदगांव में है। अंधेरा हो गया, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई आ गए नंद बाबा के मंदिर में, चलते हैं अंदर की तरफ। देखो बहुत बड़ा आंगन बड़ा है अंदर में, ये नंद बाबा के घर पधारो है, देख रो छत्रप वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, यह है प्रधान कार्यालय। अब मंदिर मुख्य मंदिर इधर रहा, इधर भी लाइटिंग चल रही है।
भीड़ तो हर जगह मिलेगी, भीड़ तो हर जगह मिलेगी। ये है भाई प्रधान कार्यालय नंदगांव मथुरा नंद बाबा, और ये सब बैठक बना हुआ है इधर पूरा। चलो चलो चलो, खुल गया, खुल गया रास्ता, खुल गया, आओ आओ, चलो खुल गया। चलो 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 चलो, कितना अच्छा नक्काशी की गया देखो पूरा नंदगांव में। उसको कभी शनि ग्रह नहीं आती है, फिर शनि महाराज की मोती। तो भाई आज का जो रोटी और पानी है, जो दाल है और खाना है, वो हमारे है, मतलब नसीब में लिखा था नंदगांव का खाने का, और एक रात हमें नंदगांव बिताने का मौका मिला। ये मतलब बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। लास्ट में 8:30-9 बजे हम लोगों ने नंद बाबा का दर्शन किया, और फिर मन में आया कि चलो अच्छा पता करते हैं कि कहीं पे होटल वगैरह मिल जाए। तो होटल वगैरह तो था नहीं, लेकिन हमें किसी के घर में ही पनाह मिल गई रहने की, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये होता ना किसी बाहर की जगह जाते, और नंदगांव जैसा मतलब प्यार मुझे अभी कभी नहीं, मतलब किसी और जगह नहीं मिला था। पहली बार ऐसा वेलकमिंग लोग मिले, और देखिए कितना बढ़िया सा रहने की जगह मिल गई है हमें। ये रूम है, और इधर बड़ा सा बेड लगा हुआ है, और एक इधर भी बड़ा सा बेड लगा हुआ है, और रूम भी काफ़ी बड़ा हॉल सा बना हुआ है। तो ये सब जो है रुके हुए हैं, और हमने अपनी देसी रोटी जो गांव की होती है यहाँ पे जाट लोगों की, वो हमने खा ली है। जाट का ही घर है। हमें यहाँ पे लठ भी मिल गया, जिससे लठ मार होली खेली जाती है। ये है लठ, तगड़ा वाला है भाई, देख रहे तगड़ा वाला लठ है। तो अभी नंदगांव में है, और हर घर में ऐसे 2-4 लठ होते हैं। मतलब जब आप होली में आएंगे और आपकी हिम्मत है तो ये लठ मार होली खेल के दिखाइए। और पीछे लोग खाना वाना पका रही चूल्हे पे। रात है तो नहीं दिखाता, मैं दिन में दिखाऊंगा थोड़ा बहुत कल। फिर बहुत थकान है, सोते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे यहाँ पे।